आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। सूबेदारगंज स्टेशन पहुंची कोरोना से भरी स्पेशल ट्रेन, कर्फ्यू की उड़ाई धज्जियां। प्रयागराज के सूबेदारगंज स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन सूरज सूबेदारगंज पहुंचते ही हजारों की भीड़ स्टेशन पर नजर आई। नहीं है यहां कोई प्रशासन जो गाइडलाइन का हवाला दे सके। जहां कोविड 19 महामारी को देखते हुए सरकार दो गज की दूरी मास्क से जरूरी का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं इस ट्रेन की भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। कोविड पर जीत पाने के लिए हर वो प्रयास कर रही है, वही कहीं ना कहीं सरकार की बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। आप सभी जानते हैं मुंबई और सूरत जैसे शहरों में कोरोना महामारी चरम सीमा पर है, वही इस तरह की भीड़ से एक शहर से दूसरे शहर में कोरोना महामारी को दावत देता नजर आ रहा है। सरकार ने कोरोना हावी न हो इसलिए एक एक यात्री को स्टेशन के अंदर जाने से पहले और स्टेशन के बाहर सरकार थर्मल स्कैनिंग करने का आदेश दिया है, लेकिन सूबेदारगंज स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं। और तो और स्टेशन के बाहर टैक्सी, बस, ई रिक्शा इत्यादि वाहनों में लोग ठूस ठूस कर जाते दिख रहे हैं। भीड़ लग रही थी ना। आपको बता दें कि सरकार की गाइडलाइन है कि किसी दुकान पर एक साथ कई लोग खड़े न हों और सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं, लेकिन यहां तो कोरोना बम फोड़ने का पूरा पूरा इंतजाम है। पहले तो हजारों की भीड़, दूसरा नहीं है कोई सोशल डिस्टेंस। आखिर कैसे करेंगे कोविड गाइडलाइन का पालन और कैसे खत्म होगा कोविड 19? जहाज चला नहीं बेटा।